जी हाँ ठीक है। और इसका क्या यूज है इसका? जब ये फ्लावरिंग पीरियड में रहता है तो पूरा क्या होता है, रेड हो जाता है, तो क्या नजर कैसे आता है, बहुत अच्छा नजर आता है ना। तो इसको क्या है, हमेशा एस्थेटिक वैल्यू के लिए यूज किया जाता है, मतलब गार्डन एरियाज में, बाउंड्रीज पे इसे हमेशा लगाया जाता है, क्योंकि ये देखने में भी एक आपको अच्छा खुशनुमा माहौल फैलाता है ना, इसलिए इसका एस्थेटिक वैल्यू बोला जाता है कि इसके एस्थेटिक वैल्यू के लिए इसे यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका एक इम्पॉर्टेंट यूज ये है, इसकी पत्तियाँ देखिए आप, पत्तियाँ एकदम बारीक है, तो ये प्लांट पर्टिकुलरली पॉल्यूशन के लिए भी यूज किया जाता है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इसकी पत्तियाँ यूज होती है, माने यूजफुल है, ये जो डस्ट पार्टिकल्स है उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है इसमें, तो ये एज अ पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए भी इसको यूज किया जाता है। तो इसको बाउंड्रीज में हम लगा सकते हैं टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, ठीक है। फिर आप देखेंगे पीछे एक प्लांट है आपके, क्या प्लांट है ये? रबर है, रबर का नाम है हीविया आर्वेंसिस। इसका क्या यूज है कोई बता सकता है, क्या यूज होता है इसका? ठीक है, इसका रबर प्लांट जैसा है, लेटेक्स निकलेगा, तो वो लेटेक्स इंडस्ट्रीज में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, ठीक है ना, जो अपने कॉस्मेटिक्स है, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इसका उपयोग होता है, ठीक है। फिर पीछे आप देखिए पलाश, पलाश का क्या उधर ले उधर ले उधर ले क्या उपयोग है बताइए आप लोग, होली मेरे बना के कलर बनाते हैं, बिल्कुल सही बताए हैं, गाय के लिए। इसके फूल जो है, इसका नाम, इसका कॉमन नेम इसका ये है कि फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है इसको। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है कोई बता सकता है? क्योंकि ये आग की तरह लाल रहता है इसका फूल, और ये कब खिलता है? होली के समय, जब सारा पतझड़ का समय रहता है, तब इसमें पूरे फ्लावरिंग ब्लूमिंग स्टेज में रहता है, ये पूरा फ्लावरिंग रहता है। और दूर से अगर आप कहीं जा रहे हो तो दूर से ये पहचाना जा सकता है, और दूर से ऐसा लगता है कि कहीं पे जंगल में आग हो रही है ना, ऐसा लगता है लाल कलर का, ऐसा लगता है कि जंगल में आग लगी है क्या, तो इस वजह से ही इसको ये फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट करके नाम इसका रखा गया है। और इसका जो बॉटनिकल नेम है ये है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इसको ये बोला जाता है। प्लस इसके जो पत्ते हैं ये क्या यूज होते हैं, पत्तल बनते हैं, दोना पत्तल के लिए यूज होता है ना। इसका और एक यूज है, इसकी जो बीज है, इसके बीज का भी उपयोग है। बीज का क्या उपयोग है कोई पता है किसी को? बीज का ये उपयोग है कि इसका ना ये नॉन एडिबल ऑयल के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। नॉन एडिबल यानी जो खाने योग्य नहीं है, खाने योग्य है उसे क्या बोलते हैं? एडिबल। और जो खाने योग्य नहीं है उसे बोलते हैं नॉन एडिबल, ठीक है। तो ये नॉन एडिबल ऑयल के अंतर्गत, ऑयल ट्रीज के अंतर्गत ये एक मेन पेड़ है, जिसका ऑयल जो है इसके 30-40% इसमें सीड्स में इसके ऑयल कंटेंट होता है, और इसका ऑयल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, सोप मेकिंग इंडस्ट्रीज, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें ये यूज हो रहा है, ठीक है। तो